हैं। इस मक्खी को यहाँ से भगाओ। ओके बॉस। इस सब का सवाल है, एक मक्खी नहीं मार पाए तो लाइफ में कुछ नहीं कर पाओगे। हिलना मत बॉस, हिलना मत। बस करो, रुक जाओ, बस करो टिपकू, रुक जाओ। सोचो, जब एक मक्खी इतना परेशान कर सकती है तो बहुत सारी मक्खियां कितने तबाही मचा सकती हैं। मैं इसी बात पर रिसर्च कर रहा था और ये देखो मेरी रिसर्च का नतीजा। टिम्बकटू जाओ और फुर्सत गंज में तबाही मचा दो। You're a genius, boss. Super duper genius. She is right, boss. She is right. Yeah! दादाजी कहते हैं हमें अपने आसपास सफाई रखनी चाहिए ताकि बीमारियों से बच सके। लोग गार्डन में घूमने आते हैं और सब कचरा यहीं फेंक देते हैं। चलो गार्डन की अच्छी सफाई करते हैं। साफ होने के बाद पार्क कितना सुंदर लगने लगा है वीर, पर लोग फिर इसे गंदा कर देंगे। नहीं करेंगे इमली, अभी देखो। तक धिना धिन धिन, मैं हूँ जिन। कौन सा काम अधूरा है बोलो मेरे बिन। जिंटू एक डस्टबिन ला दो जिसमें हम ये ट्रॉली का कचरा डाल सके, और यहाँ एक बोर्ड लगा दो ताकि लोग गंदगी ना फैलाए। अभी लो, अगड़म बगड़म आलम फालम, इकड़म तिकड़म दम दमादम। हाँ अब ठीक है। पहली बार मेरा किया हुआ काम बॉस को पसंद आया, मैं खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। छोड़ के खड़ा हूँ तो मेरी बात नहीं मानोगे? चलो अपना कचरा उठाओ और डस्टबिन में डालो। पापा, भूत बोले। डालता हूँ, लेकिन डस्टबिन है कहाँ? मैं यहाँ हूँ। यूज मी। बंटी की माँ। वो चॉकलेट रैपर भी उठाओ। वो मैंने नहीं फेंका, मैं तो केले खा रहा हूँ। खाते हो या फिर दो? उठाता हूँ। तुम तो कोई भी काम ढंग से नहीं करते, ऐसा जादू नहीं चाहिए। सिर्फ बोर्ड पे लिखे रहने दो कि फूल तोड़ना और गंदगी फैलाना मना है। इस पुलिस को अभी के अभी हटाओ और नॉर्मल डस्टबिन बना दो। तुम तो मेरे कोई भी काम से खुश नहीं रहते। मैं जा रहा हूँ और ये कचरा भी साफ करता जा रहा हूँ। फुर्सतगंज वालों, मेरी मक्खियों से बचने के लिए तैयार हो जाओ। वो देखो इतनी बड़ी जायंट मक्खी और उसमें टिम्बकटू बैठा है। बॉस, तबाही फैलाने में तो बड़ा मजा आ रहा है। तुम लोग जाके दादाजी को बताओ, मैं तब तक इनको देखता हूँ। ठीक है। वो देखो, ब्रिज टूट गया है और स्कूल बस अब नदी में गिरने वाली है। अब बताओ
क्या करोगे वीर? क्यों वीर, मजा आ रहा है? अरे कुछ करो। सॉरी बॉस, सॉरी, मैं करता हूँ। नीचे देखो। वीर, तुम ठीक हो ना? दादाजी, ये मैड मैक्स की बनाई हुई रोबोट मक्खियाँ हैं। आप चिंता मत करिए, मैं इन्हें हैंडल करता हूँ। वीर, ये इतनी आसानी से खत्म नहीं होंगी, ये बहुत ज्यादा हैं। मैं इनके लिए कोई हथियार तैयार करके तुम्हें फोन करता हूँ, तब तक तुम इन्हें संभालो। ओके दादाजी। मैड मैक्स के पास ले जाऊंगा। ड्रिल सूट ऑन। ड्रिल सूट ऑन। ऑयल एंड फायर। ऑयल एंड फायर। उनसे तो बच गए, लेकिन जायंट बी से नहीं बचोगे। वीर, खेल खत्म, पैसा आ जब, बहुत भाग लिए, अब भागने के दिन खत्म। इजेक्ट स्मोक। इजेक्ट स्मोक। तुम उस जाइंट रोबोट मक्खी को लेकर घर की छत पर आ जाओ। मैंने एक जाइंट रैकेट तैयार किया है, उसके घर की छत पर फिक्स किया है। तुम उसके बीच से उड़कर निकल जाना। जैसे ही तुम निकलोगे, मैं बहुत ही स्ट्रॉन्ग लेजर्स को ऑन कर दूंगा। रोबोट मक्खी उसे टच करते ही जल के खत्म हो जाएंगी। ओके दादाजी। दादाजी, मेरी बैटरी डाउन हो रही है, मैं शायद आप तक नहीं पहुंच सकूं। मैं घर से बहुत दूर हूं। तुम कर सकते हो, स्पीड बढ़ाओ और आ जाओ छत पे वीर। बैटरी ओवर इन 10 seconds। 10 9 8 7। Five, can you do it? 4, 3, 2, 1.
गार्डन में सफाई करते हो और अपनी छत तो देखो कितनी गंदी है। हवाएं क्यों तेज चल रही है? लगता है फिर कोई आफत आने वाली है। बादल अजीब लग रहे हैं, देखो कैसे भाग रहे हैं। अरे वो देखो आइसक्रीम वाला, चलो बहुत दिनों से आइसक्रीम नहीं खाया है, चलो ना। टिम्बक टू रेडी फॉर प्लान बी? रेडी फॉर प्लान बी। You're a genius, boss. Super duper genius. She is right, boss. चुलबुल, इमली कहाँ है? अभी तो मेरे पीछे ही खड़ी थी, क्या पता कहीं घर तो नहीं चली गई? नहीं, वो हमें इस तरह छोड़ के घर नहीं जा सकती। चलो चल के देखते हैं। अरे पर ऐसे कैसे गायब हो गई इमली? यहाँ मॉनिटर पर भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा और ये तेज हवाएं क्यों चली ये भी समझ में नहीं आ रहा। दादाजी लगता है ये हवाएं रुकने नहीं वाली हैं। कुछ तो कीजिए, इमली को ये हवा ही ले गई होगी। अब हम इमली को कैसे ढूंढेंगे? दादाजी मुझे लगता है कि मुझे ही जाना होगा इमली को ढूंढने, शायद वो वही कहीं हो। अरे वीर वीर, लगता है ये किसी दुश्मन की ही साजिश है। बॉस, रेडी फॉर प्लान ए। ओके, रेडी फॉर प्लान ए। ओए मेरे बच्चे को बचाओ, हेल्प, कोई मेरे बच्चे को बचाओ। रोबो बॉय सूट ऑन। रोबो बॉय सूट ऑन। ये रहा आपका बच्चा, संभालिए। बेटा अपना इनाम तो लेते जाओ। मैं ये कहाँ आ गया? वेलकम वीर, वेलकम टू मैड मैक्स वर्ल्ड। ये मेरा पर्सनल यूएफओ है वीर, इस जगह से अब तुम बच नहीं पाओगे। बहुत नचाया है इस वीर ने हमें, अब नाचने की बारी इसकी है। इमली, इमली, तुम कहाँ हो इमली? मुझे नहीं पता मैं कहाँ हूँ। I can see you on the monitor. वीर, जल्दी कुछ करो। इमली, मैं आ रहा हूँ। वीर, अब तुम इमली तक कैसे पहुंचोगे? Let me see, वीर! I want to enjoy this game! इस गेम का नाम है ऑपरेशन इमली! Thank you.
अब क्या करोगे? इमली को कैसे बचाओगे? लेजर प्रोटेक्शन ऑन। लेजर प्रोटेक्शन ऑन। वॉइस ट्रैक करके आ रहा हूँ। तुम परेशान मत हो, थोड़ी थोड़ी देर में आवाज देती रहो। वॉइस ट्रैकिंग डिवाइस ऑन। वॉइस ट्रैकिंग डिवाइस ऑन। तो इमली उस तरफ है। वीर, इतना आसान नहीं है इमली तक पहुँचना। मेरी शतरंज की बिसात में अभी भी कई मोहरे बाकी हैं। वीर मेरे भाई, कैसे हो? आज तुम हमारे जाल में फंस ही गए। तुम तो इमली को बचाने आए हो, लेकिन ये नहीं सोचा कि तुम्हें कौन बचाएगा। वीर, तुम इमली को बचा तो नहीं सकते, लेकिन देख जरूर सकते हो। लो, ये देखो, देखो। इमली! वीर! वीर, आज तुम बच के नहीं जा सकते। गायब हो गया। ना उस तक फोन जा रहा है, ना मैं वीर को ट्रैकिंग डिवाइस से देख पा रहा हूँ कि वो कहाँ है। दादाजी, मेरा डोंकी सेंस कह रहा है कोई तो डेंजर वाली बात है। आप उसे ट्रैक करते रहिए। एक्सरेविजन ऑन। एक्सरेविजन ऑन। इमली, मैंने तुम्हें ढूंढ लिया है। कर दूं तो असली टिम्बक्टू मुझे नहीं देख पाएगा और मैं नाइट विजन ग्लासेस से उसे देख के हरा सकूंगा। बॉस, मुझे निकालो यहाँ से। बॉस, फुल पावर ऑन। इमली, रूम से बाहर जाओ जल्दी। हम बर्बाद हो रहे हैं। चलो भागो यहाँ से।
और इमली दोनों ठीक है।